बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं। हेलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं भाजा केव्स और आप देख सकते हैं कि मैं एक चैत्य ग्रह पे खड़ा हुआ हूँ। चैत्य ग्रह का मतलब होता है होली प्लेस, जहाँ पर जो है बहुत भिक्षु पहले के टाइम पे प्रेयर किया करते थे। ये जो प्लेस है ये करीब सेकेंड शताब्दी के आसपास में बन चुका है और ये जो है बहुत बढ़िया जो है स्तूप बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। ये जो प्लेस है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, ये लोनावला के पास स्थित है और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मुंबई से और पूना से कम 2 या 2.5 घंटे के अंदर आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विहार हैं, यहाँ पर स्तूप्स हैं, यहाँ पर गुफाएँ हैं, तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर एक सीरीज़ बनी हुई है स्तूप्स की, जो कि आप देखेंगे कि वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पर आप जब भी आते तो यहाँ का दृश्य बहुत मनोरम होता है, बहुत पीसफुल होता है। यहाँ पर पहुँचने पर आपको इतना रिलैक्स फील होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो लोग आसपास में हैं वो उनको यहाँ पर डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। इसके आसपास में मराठा साम्राज्य के बहुत सारे पहले के किले वगैरह भी हैं और पास में ही कारला केव्स हैं जो आप देख सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर बने हुए हैं। इन स्तूप्स को जब सेकंड शताब्दी के आसपास में बनाया हुआ था, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि ये कितने सुंदर दिखाई देते हैं और अभी तक ये संरक्षित है। और इसके पीछे बिल्कुल माउंटेन्स का एक सुंदर सा व्यू नज़र आता है और ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर इसको सेफ किया जा रहा है और यहाँ पर आप हमेशा उनका जो है सेफ्टी मेजर्स को आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप जो है किसी भी होली प्लेस को, किसी चीज़ को भी आप छू नहीं सकते और उसमें पैर वगैरह नहीं लगा सकते। इन फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत प्लेसेस पे जो है ह्यूमंस की भी कार्विंग की गई है और कहीं कहीं पर जो है आपको जो है जो डेमन होते हैं उनकी भी कार्विंग की हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, वो यहाँ पर फ़ोटोज़ खींचते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि हमारे जो नीचे एक प्लेस है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल वाटर स्टोरेज है और यहाँ पर कम से कम बहुत सारे नेचुरल स्टोरेज वाटर हैं जहाँ पर आप पहले ऑटोमेटिकली पहाड़ों से पानी गिर कर वहाँ पर सेव होता था। और ये बहुत ही पीसफुल और अमेजिंग प्लेस है, हर किसी को जो कि आसपास में रहता है एक बार तो यहाँ पर विज़िट करना बनता ही है। और यहाँ से आप और भी जगहों पर जा सकते हैं और जो कि आसपास में हैं और इस पीसफुल जगह का आप मज़ा ले सकते हैं। और ये इतना ब्यूटीफुल है कि आप उस चीज़ को, आप एक बार यहाँ पहुँचेंगे तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और बहुत आप एंजॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। सो इसी तरीके की सीरीज़ में दोबारा मिलते हैं। चलिए।